ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD 2666 क्लैरिफाइड ऑन 10th अक्टूबर 2018। प्रातः क्लास चल रहा था। 1/9/1967 The morning class of the 1/9/1967 was going on. शुक्रवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। On Friday, we were discussing the topic in the middle of the 8th page. जब बंदर का कपड़ा उतार देंगे ना, तो फिर वो मनुष्य का मनुष्य हो गया। When you remove the clothes of a monkey, it becomes the same as a human being. परंतु मनुष्य तो बंदर आधा कल्प के लिए बन जाते हैं। But human beings become like monkeys for half the cycle. क्योंकि मुंह भी काला हो जाता है, तो फिर कान शिक्षा पर बैठ गया। It is because their face turns black, sitting on the pyre of lust. फिर बैठ गया, तो फिर बंदर बनने लग गया। When they sat on the pyre of lust, they started becoming like monkeys. कहाँ तक बंदर बन गया, पिछाड़ी में आकर के बिल्कुल ही काला बंदर बन जाते। तमो प्रधान। They become like monkeys to such an extent that in the end they become a totally black tamo pradhan monkey. है ना? तो क्या कहेंगे? Isn't it? So what will be said? अभी वो जो काला मुंह में कुछ किया है बोला, फिर जैसे बंदर बन जाते हैं। Now they have blackened their face. It was said, it is as if they become like monkeys. फिर ऐसे बंदरों को पा पाए करके। Then the father comes and makes such monkeys. और फिर सारी दुनिया को रावण राज्य से छोड़ाते हैं। And then he liberates the entire world from the kingdom of Ravan. और मंदिर लायक बनाते हैं बंदरों को। And makes the monkeys worthy of being worshipped in temples. कृष्ण भी जो पहले गोरा है ना, पीछे काला बंदर के माफिक बन गया एकदम। Krishna too, who was fair earlier, has become totally black like a monkey in the end. तो ये समझानी तो समझानी पड़ती है सब बातों में। So he certainly has to explain all these concepts. तो दिन प्रतिदिन मनुष्य कभी कहाँ सेंटर तो खुलते रहते हैं। Day by day, people. Sometimes here, sometimes there, the centers certainly keep opening. अभी मनुष्य थोड़े ही थोड़े होते हैं। Now there are very few people. फिर बहुत ही होंगे। Later there will be many. तो भी तुम समझते हो बहुत थोड़े तीखे बच्चे हो जाते हैं। Still you understand that very few children become sharp. जिनकी ताकत से बहुत बहुतों की ताकत से तुम बच्चे भी पार हो जाते हो। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ मेनी यू चिल्ड्रन टू गो अक्रॉस। ये तो नंबर वार तो ताकत होगी बच्चों में। द चिल्ड्रन विल सर्टेनली हैव पावर नंबर वाइज। ये योग में भी नंबर वार रहेंगे। दे विल ऑल्सो स्टे इन रिमेम्बरेंस नंबर वाइज। नंबर बार याद में रहें, नंबर बार ज्ञान उठाए करके, नंबर बार बादशाही का पद पाए। They stay in remembrance number wise, grasp the knowledge number wise, and then attain the position of emperorship number wise. देखो कितना पद है। Look, there are so many positions. कितनी बादशाहियां यहाँ स्थापन होती हैं। So many emperorships are established here. तो वंडर है ना। सो इट इज अ वंडर इजंट इट कि यहाँ बैठ करके और बादशाही स्थापन करे कोई गुप्त वेश में।
ये कोई को बुद्धि में नहीं आएगा। नो वन विल हैव दिस थॉट इन हिज इंटेलेक्ट दैट समवन सिट्स हियर एंड एस्टैब्लिशेस द एम्पररशिप इन अ हिडन फॉर्म। और यहाँ भी भूल जाते हैं। एंड दे फॉरगेट दैट हियर एज वेल। जो महारथी हैं वो भी भूल जाते हैं। इवन द महारथीज फॉरगेट इट। ये तो सभी सेना है ना बच्ची। ऑल दीज चिल्ड्रन फॉर्म द आर्मी डोंट दे डॉटर। तो ये सब बैठ सब भूल जाते हैं कि हम कोई गुप्त सेना है। सो ऑल ऑफ देम फॉरगेट एवरीथिंग दे फॉरगेट वी आर द हिडन आर्मी। और हम योग के बल से हम अपना आत्मा को प्योर बनाए करके और ये 84 का चक्कर लेकर के बुद्धि में धारण करके हम राजा बन रहे हैं। एंड थ्रू द पावर ऑफ योग वी मेक आवर सोल प्योर वी टेक द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स एसिमिलेट इट इन अवर इंटेलेक्ट एंड आर बिकमिंग किंग्स। फिर अगले जन्म में जाकर के हम गोल्डन स्पून इन माउथ पड़ेगा। Then in the next birth we will have a golden spoon in our mouth. अभी अगर किसको रोज याद करते हो। Now if you remember someone daily. किसको? Someone. किसको क्यों? Why someone? है? शिव बाबा को याद करते हो तो खुशी में रहे। If you remember Shiv Baba you will feel happy. जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करता हो। जस्ट लाइक इफ समवन पासेस अ बिग एग्जामिनेशन तो बोलेगा हमारी लाइफ तो अभी सुखी गुजरेगी। ही विल से नाउ आई विल स्पेंड माय लाइफ हैप्पीली। भाई मैं बैरिस्टर बनता हूँ या ICS बनता हूँ फलाना बनता हूँ। आई बिकम अ बैरिस्टर एन ICS और समथिंग एल्स। तो वो धैर्य आथत दिल में आवेगी ना। सो ही विल फील अशर्ड विद इन वोंट ही। तो वो भी समझाना होता है। देन दैट आल्सो हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। बड़े इम्तिहान वाला बहुत धनवान बन जाता है। समवन हु पासेस अ बिग एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी रिच। 1967 की वाणी का 9वां पेज। 9th पेज ऑफ द वाणी डेटेड 1967। ये जो छोटे छोटे मैट्रिक करते हैं फलाना करते हैं। दोज हु पास लोअर ग्रेड्स मैट्रिक और समथिंग एल्स। फिर भाई क्या जा करके? व्हाट विल दे डू? सिलाई करने लग पड़ेंगे चले जाएंगे या कोई छोकरों को पढ़ाना सीख जाएंगे। They will start stitching or go somewhere else or some will learn giving tuitions to children. अगर जास्ती पड़ेगी तो फिर देखो कितना फर्क पड़ जाता है। If someone studies more then look there is so much difference. तो ये तो होता है ना बच्चे। So this certainly happens doesn't it children? जितनी पढ़ाई उतना सुख। The higher the studies, the more the happiness. अब ये है भगवान वाच। Now it is God who speaks. कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। God teaches here. तो पहले तो ये ही हैं जिनको नशा चढ़ा हुआ है। So first, it is only these ones who feel elated. चोप चीनी मिलती है ना, मक्खन मिलता है बहुत। They receive चोप चीनी, don't they? Chopchini is name of a medicine. They receive a lot of butter. मक्खन को तो सार कहा जाता है ना। Butter is certainly called essence, isn't it? और भगवान पढ़ाते हैं। And God teaches us. भगवान जब हमको पढ़ाते हैं तो हम क्या बनेंगे फिर? When God teaches us, what will we become? और वास्तव में भगवान भगवती तो इनको कहा जाता है। एंड इन रियलिटी इट इज दीज वंस हु आर कॉल्ड गॉड एंड गॉडेस। तो अब कोई बतावे कि इनको भगवती भगवान भगवान के बगैर कौन बनावेगा? सो नाउ समवन टेल मी हु विल मेक देम इनटू गॉडेस एंड गॉड एक्सेप्ट गॉड।
तो कब बनाया होगा? When would he have made them that? क्या सतयुग में बनाया? Did he make them that in the golden age? नहीं, No. ये तो पतित दुनिया में याद करते हैं, हे पतित पावनाओ। They certainly remember him in the impure world, saying, "O purifier of the impure, come." और आ करके हमको पावन देवी देवता बनाओ। And make us into pure deities after coming. तो आ करके पावन बनाओ ना। So, come and make us pure, won't you? फिर आकर के कैसे बनाते हैं? Then, how does he make us pure after coming? तो जो प्रैक्टिकल में होंगे बनने वाले वो जानेंगे। So, those who become pure in practice will know about it. बाकी कोई कुछ थोड़े ही जान सकेंगे। The rest of them certainly can't know anything. बाकी लोगों तो कुछ भी पता नहीं है, The others don't know anything at all. क्योंकि प्रैक्टिकल में तो भगवान मिला नहीं। It is because they certainly didn't find God in practice. अभी तुम बच्चों को ये पता है बरोबर कि हम तो भगवान से पतित पावन बन रहे हैं। Now you children know this. Truly, we are becoming pure from impure through God. तो पतित से पावन बन रहे हैं तो फिर जरूर जन्म जन्मांतर फिर सुखी रहेंगे। When we are becoming pure from impure, we will definitely stay happy for many births. ऊंचे पद पर रहेंगे ना। We will have a high position, won't we? अगर पढ़ाई छोड़ देंगे, If we leave the studies, क्योंकि पढ़ाई छोड़ तो बहुत देते हैं ना बच्चे। It is because many leave the studies, don't they, daughter? पढ़ाई भी छोड़ देते हैं और यहाँ छोड़ भी देंगे। They leave the studies and they will leave it here as well. और पढ़ाई छोड़ करके फिर जा करके गंदे भी बन जाएंगे। And after leaving the studies, they go and become dirty as well. क्योंकि पढ़ाई छूट जाती है तो फिर गंदे बन जाते हैं। It is because if they leave the studies, they become dirty. ऐसे तो पढ़ाई पढ़ते भी गंदे बन जाते हैं। As such, they become dirty even while studying. तो पढ़ाई जो अगर नहीं पढ़ेंगे तो गंदे नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? So those who don't study, what else will they become if not dirty? ये कोई मासी के घर थोड़े ही है जो कोई बच जाते हैं। This isn't anyone's cup of tea, so that some get spared. आजकल तो सन्यासी गुरु लोग भी बड़े गंदे होते हैं। Nowadays, even sannyasis and gurus are very dirty. सो भी वो विकार की बात, It is certainly about vices. परंतु विकर्म विनाश कैसे हो जन्म जन्मांतर के? But how will the wrong actions of many births be destroyed? क्योंकि साधु भी तो इंद्रियों की साधना करते हैं ना। It is because the sages also practice to control the indriya, don't they? बाबा ने कहा था ना Baba said, didn't he? कि गीता किसके पास हो If someone has the Gita, तो राय देवे, I will give an advice to him. परंतु यहां तो कोई सर्विसेबल बच्चे हैं नहीं But there aren't any serviceable children here. जो मैं किसी को राय देऊं। So that I give them advice. कोई भी सर्विसेबल नहीं है बाबा के पास इस समय में। Baba has no serviceable child at present. नहीं, No. हाँ महारथी की तो बात अलग होती है बहुत। Yes. The question of the Maharathis is completely different. चलो बच्ची टोली ले आओ। Come on, daughter, bring Toli. भूत तो हर एक में है, Everyone certainly has ghosts in them. कोई ईश्वर नहीं है, No one is God. पांच भूत हैं हर एक में, Everyone has the five ghosts. और इसमें भी ये है भूतनाथ। भूतनाथ नहीं होगी दुनिया।
एंड ऑन टॉप ऑफ इट दिस इज द वर्ल्ड ऑफ भूतनाथ्स एंड भूतनाथनीस, मीनिंग मेल एंड फीमेल गोस्ट्स। तो अभी फिर दशहरे के ऊपर बाबा को समझाना पड़ेगा। सो नाउ बाबा विल हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दशहरा। दशहरे पर चलेगी वाणी। अ वाणी विल बी नरेटेड ऑन दशहरा। उसके बाद फिर दीपमाला के ऊपर समझाएंगे कि ऐसे ऐसे समझाओ। देन ही विल एक्सप्लेन अबाउट दीपमाला सेइंग एक्सप्लेन इन दिस एंड दिस वे। दीपमाला इज एन इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फिर उस दीपमाला में ये चित्र छपाना पड़ता है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट दिस पिक्चर ऑन दीपमाला। इन लोगों को समझाने के लिए। टू एक्सप्लेन टू देम। फिर नए सिरे समझाएंगे। देन ही विल एक्सप्लेन समथिंग न्यू अगेन। ऐसे वो समझे कि इस समय में बरोबर ये रावण है, रावण का राज्य। दे शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज सर्टेनली रावण। इट इज द किंगडम ऑफ रावण एट द प्रेजेंट टाइम। और ये एकदम बंदर संपदा है। एंड इट इज ट्रूली द कम्युनिटी ऑफ मंकीज। रावण के राज्य में फिर बंदर संपदा है कौन? इन द किंगडम ऑफ रावण देन हु बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ मंकीज। रावण के राज्य में तो मनुष्य थे, भले आसुरी मनुष्य थे। इन द किंगडम ऑफ रावण देर वर इन फैक्ट ह्यूमन बींग्स, दो देवर डेमोनिक ह्यूमन बींग्स। और ये बंदर संप्रदाय एकदम कौन? एंड हु ट्रूली बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ मंकीज। क्योंकि ये पांच विकार से भी बदतर बने हुए हैं। इट इज बिकॉज दे हैव बिकम वर्स देन द फाइव वाइसेस। देखो है ना बरोबर। लुक इट इज एब्सोल्युटली ट्रू इजंट इट। इनको काम का भूत भी ऐसा ही है बहुत। एज सच मोस्टली देयर इज द गोस्ट ऑफ लस्ट इन देम। क्योंकि ये तो तुम बच्चे जानते हैं कि सत्युग में तो ऐसे नहीं होगा। इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन सर्टेनली नो दैट वोंट बी द केस इन द गोल्डन एज। बच्चे किसको भी कहेंगे ना। यू चिल्ड्रन विल नरेट टू एनी वन वोंट यू। ये चित्र लेकर के किसको भी समझाओ। टेक दिस पिक्चर एंड एक्सप्लेन अबाउट इट टू एनी वन। ये तो भारत में जब इनका राज्य था तब दूसरा कोई का भी राज्य नहीं था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन देयर वाज देयर किंगडम इन भारत देयर वाजंट एनीवन एल्सेस किंगडम। रावण राज्य में तो बहुतों का राज्य होता है ना। देयर इज द किंगडम ऑफ मेनी इन द किंगडम ऑफ रावण इजंट देयर। तो रावण को ढेर सिर दिखाए। सो रावण हैज बीन शोन विद मेनी हेड्स। और ये लक्ष्मी नारायण तो भारत में ही थे। एंड दीज लक्ष्मी नारायण एग्जिस्टेड इन भारत इटसेल्फ। भारत में ही इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देयर वाज द किंगडम ऑफ दीज वंस लक्ष्मी नारायण इन भारत इटसेल्फ। क्योंकि इट इज बिकॉज भारत में इनका राज्य था और भारत में इनकी पूजा होती। इट इज इन भारत वेयर देयर किंगडम वाज एंड इट इज इन भारत दैट दे आर वर्शिप्ड। प्रूफ है ना। देर आर द प्रूफ्स aren't there? अब जिनकी पूजा होती है। वेल दोज हु आर वर्शिप्ड। ओ तो जड़ चित्रों की पूजा होती है। एक्चुअली इट इज द नॉन लिविंग पिक्चर्स दैट आर वर्शिप्ड। इनका राज्य तो कोई नहीं था। देर सर्टेनली वाजंट देयर मीनिंग द नॉन लिविंग पिक्चर्स किंगडम। तो इन जड़ चित्रों की वो आत्माएं सब कहाँ थी? वेयर वर ऑल द सोल्स ऑफ द नॉन लिविंग पिक्चर्स। इतनी सब आत्माएं जब इनका राज्य था तो कितनी होंगी? वेन देर वॉज द किंगडम ऑफ सो मेनी सोल्स हाउ मेनी विल दे बी। शुरुआत में तो बहुत छोटा झाड़ होगा। इन द बिगिनिंग द ट्री विल बी वेरी स्मॉल। पीछे तो झाड़ बढ़ता ही जाता है मनुष्य सृष्टि का। लेटर द ट्री ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड कीप्स ग्रोइंग। देखो अभी कितना हुआ है और तुम प्लानिंग में भी बहुत कुछ समझा सकते हो। लुक हाउ बिग इट हैज बिकम नाउ।
एंड यू कैन एक्सप्लेन अलॉट अबाउट द प्लानिंग एज वेल. कि अभी तो पुरानी दुनिया है, नाउ इट इज द ओल्ड वर्ल्ड, फिर नई दुनिया में इनका राज्य होता है. देन इन द न्यू वर्ल्ड देयर इज द किंगडम ऑफ दीस वंस. तो देखो, इनका राज्य लाने के लिए अभी ये राजयोग सिखलाते हैं. सो नाउ इन ऑर्डर टू ब्रिंग द किंगडम ही टीचेस राजयोग. और इनको राजयोग सिखलाने से फिर इनको नई दुनिया चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ टीचिंग देम राजयोग दे नीड द न्यू वर्ल्ड. और फिर पुरानी दुनिया में तो वही महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है. एंड देन द सेम मैसिव वॉर ऑफ महाभारत इज स्टैंडिंग अहेड इन द ओल्ड वर्ल्ड. इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग की गेट खुलेगी. द गेट ऑफ हेवन विल ओपन ओनली आफ्टर दैट वॉर एंड्स. तो जितना जितना तुम बच्चे आगे जाएंगे, इतना ये आवाज महाभारी महाभारत लड़ाई की अखबारों वगैरह में छपती रहेगी. सो द मोर यू चिल्ड्रन गो अहेड द मोर दिस वॉइस ऑफ द मैसिव वॉर ऑफ महाभारत कीप्स बीइंग पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा. हाँ, अभी लग जाए, अभी झट. यस इट माइट ब्रेक आउट नाउ राइट नाउ. अभी जैसे कि कोई लड़ाई लग जाती है. राइट नाउ जस्ट एज अ वॉर ब्रेक्स आउट नाउ. ऐसे होता रहता है ना. इट कीप्स हैपनिंग लाइक दिस डजंट इट. ऐसे नहीं समझो नहीं होता रहता है, होता रहता है. क्योंकि आगे भी जब लड़ाई लगी थी तो एक सिर्फ छोटी सी बात चाहिए थी. डोंट थिंक इट डजंट, इट डज. इट इज बिकॉज व्हेन अ वॉर ब्रोक आउट अर्लियर एज वेल देयर वाज जस्ट वन स्मॉल एम्परशिप. उसमें कोई फलाने कोई उनके तो उनको मार डाला था. समवन अमंग देम मर्डर्ड हिम. ऐसे हुआ था. दैट इज व्हाट हैपेंड. बस उस जरी सी लड़ाई में फिर उससे वो आग लगाई थी. दैट्स इट. इन दैट ट्रिवियल फाइट अ फायर वाज सेट. तो निमित्त बन जाते थे ये भी. Then that too used to become a reason. नहीं तो थी तो बहुत जरी सी लड़ाई. Otherwise, it was actually a trivial fight. कोई पुराना अखबार पढ़ा होगा ऐसे तो बाबा को तो नाम भी मालूम नहीं है. If this one has read an old newspaper, Baba doesn't even remember its name. सर्विसिया. एक छोटी सी बात सही थी. Servicia. It was a small emperorship. Servicia ki Serbia? Is it Servicia or Serbia? Hai? Choti si baat sahi. It's a small emperorship. Abhi to main samjhta hoon. Peace bhai ekdam. Naam hi nahi sunte hain kabhi koi Serbia hai. Now I think there is absolute peace there. No one even hears its name, that there is some country called Serbia. Abhi nakshe mein, nakshe mein hai, haan, ye tum dekh na. Now it is there on the map. Yes, look at this. 1967 ki vaani ka 10th page. Page 10 of the Vani dated 1967. अभी तो बिल्कुल ही देखने में आते हैं, बहुत लड़ेंगे. Now it is clearly evident that there are lots of wars. और जरूर लड़ेंगे आपस में. And they will certainly fight among themselves. क्योंकि बॉम्ब्स भी तो तैयार हैं. It is because bombs are also ready. और फिर सभी एक दो में झगड़ते रहते हैं. And all of them keep fighting with one another. ऐसा तो कोई दिन होता ही नहीं है कि लड़ाई कहाँ बंद हो जाए. There is not even a single day when the war stops somewhere. लड़ाई तो कहाँ न कहाँ एक बंद होती है तो दूसरा चालू. Wars keep waging somewhere or the other.
इफ वन एंड्स अनदर बिगिंस, दूसरा तो तीसरा चालू, इफ द सेकेंड वन एंड्स अ थर्ड वन बिगिंस, और फिर लड़ाई में तो एक दो के मददगार बनते ही रहते हैं, एंड दे कीप हेल्पिंग ईच अदर इन वॉर्स। वो ऐसे नहीं थी जब पहले लड़ाई लगी थी, नहीं, दैट वॉजंट द केस व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अर्लियर, नो, ये तो ऐसी है बिल्कुल ही, जब एक बॉम्ब छोड़ा था जापान में, दैट वॉज द केस व्हेन वन बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड इन जापान। अभी तो देखो कितने बॉम्ब्स बने पड़े, नाउ लुक न्यूमरस बॉम्ब्स हैव बीन स्टॉक्ड, और फिर एक दो को धमकाते भी रहते हैं, एंड दे ऑल्सो कीप थ्रेटनिंग ईच अदर। है अभी कौन किसको धमका रहा है, हु इज थ्रेटनिंग हु नाउ, नॉर्थ कोरिया कभी कभी धमका देता है, स्टूडेंट रिप्लाइज, नॉर्थ कोरिया, इट कीप्स थ्रेटनिंग समटाइम्स, और तुम पढ़ रहे हो, एंड यू आर स्टडिंग, तुमको भी राज्य चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट अ किंगडम, तुमको तो अपनी नई दुनिया चाहिए, यू इन फैक्ट वॉन्ट योर न्यू वर्ल्ड, तुमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, यू डोंट वॉन्ट वॉर्स एंड फाइट्स, और फिर ये पुरानी दुनिया खत्म भी होनी चाहिए, एंड देन द ओल्ड वर्ल्ड शुड ऑल्सो एंड, क्योंकि पुरानी दुनिया में ही लड़ाई झगड़ा होता है, इट इज बिकॉज इट इज इन द ओल्ड वर्ल्ड वेयर देर आर फाइट्स एंड क्वारल्स, क्योंकि दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि जब पुरानी दुनिया लड़ाई झगड़े की खत्म होती है तो फिर नई दुनिया स्थापन होती है सतयुग की, इट इज बिकॉज द वर्ल्ड डजंट नो एट ऑल दैट व्हेन द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ फाइट्स एंड क्वारल्स एंड्स द न्यू वर्ल्ड ऑफ द गोल्डन एज इज एस्टैब्लिश्ड। झूठ की दुनिया होती है तो लड़ाई होती है, व्हेन देयर इज द वर्ल्ड ऑफ लाइज देयर आर वॉर्स, और सतयुग की सत्य की दुनिया होगी तो लड़ाई की बात ही नहीं, एंड व्हेन देयर इज द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ ऑफ द गोल्डन एज देयर वोंट बी द क्वेश्चन ऑफ वॉर्स एट ऑल, और वो तो शास्त्रों में दिखाया है महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, एंड इट इज शोन इन द स्क्रिप्चर्स दैट द मैसिव वॉर ऑफ महाभारत ब्रोक आउट, तो लगी है ना, वो तो है, इट डिड डिडंट इट, इट इज अ रियलिटी, इसमें गीता में महाभारत की लड़ाई, अच्छा, इन द गीता द महाभारत वॉर, अच्छा, बाप कहते हैं ना, द फादर सेज डजंट ही, रूहानी बच्चों को कहते हैं, He says to the spiritual children, अगर तुम बाप को याद करते रहो, If you keep remembering the father, और तुम पावन बनते रहो, And keep becoming pure, अभी कोई पावन बना तो नहीं है ना, Well, no one has become pure now, has he? फिर भी पतित से पावन बनने की अंगुली तो देना है ना, Still, you have to contribute a little to become pure from impure, don't you? तो ये भी थोड़ी सी अंगुली वो भी काम में आ जाती है। So, even a little bit of contribution is helpful. भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। It is said even in the path of bhakti, isn't it? If we take good company for one ghadi, half a ghadi, or half of even that half ghadi, millions of our sins will be destroyed. One ghadi is equals to approximately 24 minutes. Achha. Meethi meethi bachchon prati ruhani, bachchon ki prati ruhani, baap va dada ka yaad pyar, good morning. Achha. Remembrance, love and good morning from the spiritual father and dada. To the very sweet spiritual children. रूहानी बाप के साथ रूहानी लगाते हैं, दादा के साथ रूहानी क्यों नहीं लगाते? The word spiritual is added before the spiritual father. Why not dada? ओम शांति। ओम शांति।